हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो पे हम लोग देहरादून आ चुके थे और बहुत रात हो गया था, और अभी हम लोग का हो चुका है सुबह, और सुबह हम लोग सब तैयार हो गए हैं और वेट कर रहे हैं अपने कैब के लिए। अभी हम लोग नाश्ता करने वाले हैं और इस देहरादून को छोड़ के हम लोग बारकोट जाने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ बारकोट, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बट जो मैंने नाम सुना है बारकोट जाना पड़ेगा, वहाँ से यमुनोत्री है, वहीं से गंगोत्री है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है बारकोट, ठीक है। तो चलो फिर रहो सीट वीडियो के साथ में और मैं दिखाता हूँ कि इस बारकोट के जर्नी में क्या क्या होता है हमारे साथ। थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा पूरी, बहुत प्यास लगता है ना। मम्मी उस दिन ना वो निकले थे ना रायपुर। रिपो हेलो, हाँ हाँ, 76/117 है भैया। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ भैया भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप थोड़ा रुको ना, मैं नाश्ता कर दे रहा, फिर निकलते हैं, ठीक है। ओके हाँ, तो गाइस हमारा गाड़ी आ चुका है और अब हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। हाँ ये इसमें सब्जी आ गई, गाड़ी आ चुका है, रुक। तो हम लोग अपना सामान भी नीचे ले आए हैं और हम लोग रूम को चेकआउट कर रहे हैं और इसके बाद अब सीधा निकल रहे हैं बारकोट के लिए। गाड़ी हमारा आ चुका है, पीछे ले। आइएगा दोबारा, थैंक यू। गाइस तो देहरादून ना हम लोग बस रात को आए कि स्टे कर रहे हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, इस जगह को ज़्यादा घूम तो पाए नहीं है, इवन इनफैक्ट हम लोग बाहर ही नहीं निकले हैं बिकॉज बहुत थक गए थे। सो अभी हमारा प्लानिंग तो बारकोट जाने का है क्योंकि हम लोग को चार धाम जो करना है, तो यहाँ से फोकस हटाते हैं और वहाँ फोकस करते हैं और मिलते हैं बारकोट पे, और मैं दिखाता हूँ आपको सारे ब्यूटीफुल नज़ारे जो भी मेरे को रास्ते में मिलेगा ना, सब कैप्चर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। ये गाड़ी ले आना, पीछे सामान रख देते हैं। हाँ लगाओ ना, बैग लगाओ। तो मेरे को ना अभी ना ड्राइवर से पता चला है कि शायद हम लोग मसूरी होते हुए जाने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बारकोट नहीं जा रहे हैं। रास्ते में जो भी दिखाने का मतलब घूमने का होगा हम लोग सारा वो कवर करते हुए जाएंगे बारकोट, तो रास्ते में शायद मसूरी और कुछ कुछ जगह आने वाला है। सो मैं आपको सारे के सारे दिखाने वाला हूँ जो भी मैं देखने वाला हूँ। ये है बेल का जूस। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है बेल का जूस जो कि देहरादून में हम लोग को मिल गया है। लास्ट टाइम मैंने पिया था दिल्ली पे, आज से 5 साल पहले, ये बेल का जूस ऐसा स्टॉल पे, घर पे तो हम लोग पीते ही हैं, तो यहाँ पर मिल गया तो चलो हम लोग भी सोच लिए कि चलो आज पी लेते हैं बेल का जूस। बहुत शौक से डॉग्स पाले।
ठीक है, सो राइट नाउ आई एम इन मसूरी। हम लोग अभी कामठी फॉल जा रहे हैं और फाइनली हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं और ये हम लोग रोड पे ही हैं। सो हम लोगों को चाय पीना था इसलिए यहाँ रुक गए और यहाँ नज़ारा बहुत सुंदर है। ये देखो हम लोग घाट के आसपास हैं और इसके बाद अभी जाने वाले हैं हम लोग कैंपटी फॉल। तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल कैंपटी फॉल के सामने और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है कैंपटी फॉल। मैं आपको दिखाता हूं कैमरा से। हम लोग को टोटल देहरादून से शायद तक 3.5 घंटा लगा है, इतना ट्रैफिक था यहाँ पर। हम लोग का मसूरी पूरा क्रॉस करना पड़ा और ये सिंगल लेन है तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होता है यहाँ आने पर, बट एक बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा मिला। बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल यहाँ सामने में है जिसको लोग कहते हैं कैंपटी वाटरफॉल और कैंपटी फॉल। 50 रुपये 50 क्या ले रहे हो? और मिलेगा? हाँ। क्या लग, कुछ लगाए हैं? नो, ड्रामा कर रही हूँ। मम्मी कहाँ गई है? एक महीने का तबियत खराब कर रही है। कहाँ? क्या चलता है? कर दिए क्या? तो ये जंगली सेब है और ये क्या है? प्लम, पहाड़ी प्लम। ताज़ा मिला। गाइस, वहाँ सारे तरफ ना एक अच्छा पहाड़ी फल मिल रहा है और ये बहुत टेस्टी है। हम लोग अभी एक आड़ू करके फल था वो ट्राई करे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठा था। यहाँ पर पहाड़ी सेब भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और यहाँ आने से ना आपको बहुत ज़्यादा वेजीज खाने का मन करेगा, आई डोंट नो व्हाई, बट सच में बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। खुद भी खाते हैं तरीका बेचने का। बैंगन ही खाता नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगा। बैगन को सब्जी को ना ज्यादा भी अति नहीं खाना है, उस बीमारी भी आता है उसकी। कितना
सो गाइज हम लोग बारकोट के लिए निकल गए हैं और ये ना घाट पे ही पूरा रोड पे ही सब कुछ है, यहीं पर हम लोग ढाबा पे रुके हुए हैं। मैं वॉशरूम जाने के लिए आया हूँ और आप देखो पीछे कितना अच्छा है और नीचे देखो ऐसा बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और पहले हम लोग यहाँ लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये रास्ता ना पूरा का पूरा घाट पे है, कुछ भी मेन रोड नहीं है। और खाना भी अब पता नहीं, देखो पापा वहाँ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ जाके पहले हम लोग खाना खाएंगे। और बहुत ही टाइम एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब मेरे लिए तो ओवर टाइम हो गया है। मैं इतना समय तक खाना नहीं खाता हूँ, मैं 2 बजे तक खा लेता हूँ, बट यहाँ मेरे को 3 से ज़्यादा हो गया। और मेरे को अभी खाना तो खाना पड़ेगा बिकॉज रात को सोना भी है। और बिल्कुल भी नहीं पता कि बारकोट कैसा जगह है, ये वहाँ क्या मिल। तो हमारा लंच भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग वापस निकलने वाले हैं पार्क रोड की ओर। आप पीछे जा रहे हो मैडम, आपके पास वो है ना, आप आगे ही बैठे हो, अभी वाली सीट रिपोर्ट पर दिखाना होगा ना, क्योंकि अभी मोबाइल पे आया कि अरे इनको भैया
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बारकोट पे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा जो आसपास कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, वो बारकोट का है। और इस बारकोट, ये जो बारकोट है ना, ये एक जंक्शन है, इसके बाद ही सारा चार धाम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, शाम को बज रहा है 4 और यहाँ पर आज हम लोग स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद कल हम लोग निकलेंगे यमुनोत्री फर्स्ट ऑफ ऑल, और यमुनोत्री में हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शायद जाने वाले हैं गंगोत्री। सो मैं आपको अपडेट करूँगा और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस तो एक घोटाला हो चुका है मेरे साथ, फाइनली हम लोग को रूम मिल गया है। बट क्या है ना कि जो रूम हम लोग बुक कर रहे थे वो बोलते हैं ऑलरेडी बुक है और वो कल हम लोग को अलॉट करेगा। सो तब तक के लिए हम लोग को दूसरे का सेट मतलब दे दिया है रूम। रूम बड़ा ना ओल्ड स्टाइल है, जैसे कि घर है ऐसा लग रहा है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, इसके बाहर जो नज़ारा है ना, वो इतना औसम है कि पूरा मून रिफ्रेश हो जा रहा है। ये देखो जस्ट मेरे पीछे वो पहाड़ों को देखो, कितना औसम है ना, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बट ये जगह ना काफ़ी ओल्ड स्टाइल है और हमेशा लाइट जाते रहता है, तो अपना पावर बैंक अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पर हर 10 मिनट हाफ एन आवर में आपका पावर हमेशा जाते रहता है। और अपने साथ टॉर्च ज़रूर लेके आना अगर आप बारकोट आते हो, अगर आप चार धाम जाते हो तो आपको यहाँ आना ही होगा, और उस समय आपको टॉर्च का ज़रूरत पड़ेगा। तो अपने साथ टॉर्च ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गाँव है, यहाँ बहुत ही मुश्किल से सब चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत है। बट ये नज़ारा बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है ना, आई कांट टेल यू। इसमें क्या पानी डालते हो? नेचुरल है। हाँ हाँ, इसको निकालते हो, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो? इसे पहले फोम तोड़ के लेके आता है। हाँ हाँ, फिर इसे उबालता है। अच्छा, बस ये बस कलर अपने आप छोड़ देता है। टेस्ट का रंग निकालते हैं, टेस्ट कैसा होता है? गाइस सो ये है बुरास का शरबत, जो कि उत्तराखंड का स्पेशलिटी है, और ये फूल से निकलता है बता रहे हैं भैया। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि लगता कैसे है। बहुत टेस्टी है, वाओ। इसकी बॉटल क्या कॉस्ट की होती है? इसकी 200 रुपए। अंदर वो बैग के नाइस नाइस, बहुत अच्छा। 6 किलोमीटर हम लोग मंगाए यहाँ स्प्रिंग रोल और चाय, इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और सीधा सो के सुबह निकलेंगे यमुनोत्री के। तीन टिकट भैया करके, वो तीन टिकट दिया।